स्थानीय कृषि उपज मंडी कसरावद में 211 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत विवाह संपन्न कराया गया। निमाण में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इतना बड़ा आयोजन जिसमें लगभग 20 से 25,000 लोगों को एकत्रित होना था, जो कठिन कार्य था, लेकिन कसरावद प्रशासनिक प्रमुख SDM संघ प्रिय ने जनपद पंचायत कसरावद नगर परिषद कसरावद एवं आयोजन समिति के सहयोग एवं अपने कुशल नेतृत्व से आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल कसरावद में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम एक नहीं बल्कि 211 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे धर्म में लिखा है, अगर हमने मनुष्य जीवन जिया है और कन्यादान नहीं किया तो हमारा जीवन निरर्थक है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। अपनी बेटी को विदा करने के बाद घर जाऊंगा और अपने आंगन में एक फलदार वृक्ष लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जिन लोगों ने भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः वर वधु को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल के फूल की तरह खिलते रहे और अपने घर आंगन को महकाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। में बहुत संघर्ष किया और उसके बाद में विधायक चुने गए। ऐसे मेरे प्रिय मित्र पूर्व विधायक आत्माराम पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक मेरे अभिन्न मित्र महेश्वर से भाई राजकुमार देव जी, दशरथ सिंह पटेल जी, मांगीलाल गाड़गे जी जिनका जन्मदिन है और इसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो समिति है, भीमा राम अंबेडकर विवाह समिति जिसके माध्यम से ये पूरा आयोजन हो रहा है। सरकार पीछे है, प्रशासन पीछे है, हमने समिति को आगे किया है। ऐसे समिति के अध्यक्ष भाई मांगीलाल जी गाड़गे जी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर आज उनका जन्मदिन है और उनकी समिति है सेवा समिति भीमा राम जी अम्बेडकर सेवा समिति कसरावद आदरणीय लगभग 211 जोड़े आज हमारे इस आयोजन में शामिल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से अपने पूरे परिवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।